नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारी संस्था के द्वारा रवि सर और आलोक सर के मार्गदर्शन में सुपर टेट का बैच रन हो रहा है। पिछली बार हमने इसमें बहुत बड़ी सफलता भी हासिल की है, जैसा आपने रवि सर का वीडियो वगैरह देखा होगा। तो रवि सर जो हैं वो काफ़ी डेडिकेटेड हैं आप लोगों के प्रति। तो हम लोगों ने सुपर टेट का बैच पुनः चालू किया है। इस महाभारत को पुनः जीतना है। अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में नहीं फंसेंगे, इससे बाहर निकलेंगे और जरूर क्वालिफाई करेंगे। तो हमारी संस्था ने सुपर टेट का जो ये बैच चलाया है, तो उसमें जो 10 नंबर के जीएस के सवाल हैं, जो 10 नंबर का आना है, उसमें एक टॉपिक है भारत स्वतंत्रता संग्राम और समाज सुधारक, जो कि एक इतिहास का टॉपिक है। तो मैं गौरव पांडे जो कि आपको उस टॉपिक से रूबरू कराऊंगा, पढ़ाऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे एक संस्था से जुड़ने के लिए, आप इस बैच से जुड़ने के लिए केवल आप अपना फ़ोन उठाइए। दिन भर तो हमें लगता है कि फ़ोन ही उठाए रहे होंगे। फ़ोन उठाइए, व्हाट्सएप पर एंट्री सुपर टेट लिखिए, ENTRY SUPER TET, एंट्री सुपर टेट लिखिए और 9125423936 पर व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारी संस्था के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा आपको जोड़ लिया जाएगा और आप हमारे बैच के हिस्सेदार बन जाएंगे। जैसा कि दोस्तों सिलेबस में तो जरूर लिखा हुआ है कि भारत स्वतंत्रता संग्राम और समाज सुधारक, लेकिन पिछली बार के पेपर में प्राचीन भारत से भी कुछ सवाल पूछ लिए गए थे। जैसे कनिष्क के बारे में सवाल आया था, आप देखे होंगे, ठीक है। तो मुद्दा यह है कि उस सिलेबस में पोर्शन लिखा है, पर उसने सवाल पिछली बार प्राचीन से भी उठा लिए। तो हमारी संस्था और हम ये प्रयास करेंगे कि हम कोई ऐसी गलती ना करें कि आपके एक भी सवाल हमसे बाहर हो जाए। इसीलिए हम 15 से 16 दिन, 17 दिन जो भी लगेगा, एक संवहित समरी स्टडी करेंगे हिस्ट्री की। जैसे कि इसने स्वतंत्रता संग्राम और समाज सुधारक को मेंशन कर दिया है, तो इसको थोड़ा अच्छे से बृहद में पढ़ेंगे और बाकी टॉपिकों को एक समरी के रूप में, जैसे स्कूल में आप लोग शिक्षक बनेंगे, स्कूल में पढ़ाएंगे तो किताबों में समरी होती है, उस समरी के रूप में हम पूरा इतिहास पढ़ लेंगे, प्राचीन मध्य सब, ताकि अगर बाई गलती से भी कोई सवाल आपका बाहर से भी आ जा रहा है जो सिलेबस में नहीं दिया है, तो आप उसे गलत ना करें। मेरी वजह से, अगर हमारी वजह से आपके प्रश्न सही हो रहे हैं, आप सेलेक्ट हो रहे हैं, तो इससे बड़ी उपलब्धि हमारे संस्था के लिए, हमारे और हमसे कुछ भी इससे ज्यादा नहीं है। तो जो समाज सुधारक हैं दोस्तों, तो समाज सुधारक तो भारतीय इतिहास में कई सारे हैं, उनके बारे में हम एक बढ़िया सा कॉलम डायग्राम में पढ़ेंगे कि वो उन्होंने किस संस्था का, जनरली उतना ज्यादा इसमें पूछा नहीं जाता है, पूछ लिया जाता है जैसे ब्रह्मो समाज का गठन किसने किया, अमित समाज का गठन किसने किया, रामकृष्ण मिशन का गठन किसने किया, इंडियन एसोसिएशन का गठन किसने किया, तो इन सब संगठन जैसे होम रूल लीग की स्थापना किसने की, तो उनसे जुड़े हुए संगठन पूछते हैं आपसे और उसके साथ साथ या उनका जन्म कब हुआ वगैरह, उनकी खास बातें। तो जितने भी समाज सुधारक के 25 टीस्ट हो हमारे, उनको हम एक बकायदा कॉलम डायग्राम में बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे, ताकि आप उसके नोट्स खुद बना लीजिए और पूरा बुक में पैराग्राफ पैराग्राफ ना पढ़ना पड़े। स्वतंत्रता संग्राम जो टॉपिक है, अगर स्वतंत्रता संग्राम की हम अपने भारत में बात करें, तो ये 1857 की क्रांति से चालू हो जाती है, लेकिन इसके पहले भी लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई की है। जैसे पलासी का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया, ठीक, उसके बाद वेल्लोर का युद्ध हो गया, 1857 की क्रांति हो गई, फिर कांग्रेस की स्थापना हो गई, कांग्रेस के पहले कुछ संस्थानों की स्थापना हो गई, जिसमें इंडियन एसोसिएशन है, ब्रिटिश बंगाल एसोसिएशन है, उसके बाद बंगाल विभाजन हो गया, फिर उसके बाद गांधी युग चालू हो जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, असहयोग आंदोलन है, तो तमाम टॉपिकें हैं। पर चूंकि आप में क्या, आपके एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न या 1 या 2 प्रश्न आने वाले हैं, तो उसको उतना ब्रॉड वे में ना ले चलकर उस वे में ले चलें कि ताकि आप 1-2 सवाल जो भी आपके आए यहां से आप कर सकें। तो आज का जो हम टॉपिक उठाएंगे वो पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध उठाएंगे। यूरोपियों के आगमन की कोई सवाल पूछा नहीं जाता आपके, और आपके सिलेबस में है भी नहीं। पलासी और बक्सर का युद्ध भी अगर सिलेबस के अनुसार देखा जाए तो वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम इसलिए पढ़ा दे रहे हैं कि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए,
हो सकता है इसलिए क्योंकि अगर बिना सिलेबस में दिए प्राचीन भारत पूछ ले रहा है तो आधुनिक भारत में स्वतंत्रता संग्राम मेंशन किया है तो इन लोगों का भी अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ है। जो अंग्रेज आए थे उनके पहले भारत में और भी यूरोपीय आए थे, हम आपको बता दे रहे हैं, हम चीजों को नोटिस कर लीजिए। जैसे सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में वास्को डी गामा, और सबसे आखिरी में जाने वाले पुर्तगाली ही थे 1961 में, गोवा और दमन दीव छोड़कर जाने वाले पुर्तगाली थे। तो सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली हुए और सबसे आखिरी में जाने वाले भी कौन हो गए? पुर्तगाली। इनके बाद डच आए थे, ठीक, डच के बाद अंग्रेज आए थे, अंग्रेज के बाद डेनिस आए थे, डेनिस के बाद फ्रांसीसी आए थे, ठीक। और पुर्तगालियों में जो खास बातें हैं कि वास्को डी गामा की मृत्यु भारत में हुई है 1524 में कोचीन में, अल्बुकर की मृत्यु गोवा में हुई है। भारत में पुर्तगालियों की जो राजधानी थी वो कोचीन थी, बाद में गोवा बनाई गई। भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत पुर्तगालियों की देन है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत मतलब छपाई खाना बंबई और गोवा में सबसे पहले 1554 में चालू हुआ, वो भी पुर्तगालियों की देन है। इसके साथ साथ डच की कोई खास बात नहीं है, डच एक ऐसे यूरोपीय थे जो भारत में मसाले से ज्यादा सूती वस्त्र पर अपना ध्यान केंद्रित किए। अंग्रेजों में क्या था, दोस्त जो आए थे उसमें से था 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था, ठीक, जिसको जहांगीर ने खां की उपाधि दी थी। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, बनता भी है, खां की उपाधि या इंग्लिश खां की उपाधि किसे दी गई? तो आंसर है कैप्टन विलियम हॉकिंस। उसके बाद सर टॉमस रो आए थे 1692 ईस्वी में, जाप चरनॉक के द्वारा कलकत्ता शहर की स्थापना हुई। जाप चरनॉक के द्वारा किस शहर की स्थापना हुई? कलकत्ता शहर की। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, भारत में फ्रांसीसी आए, फ्रांसीसी जो थे उनके साथ फ्रांसीसियों में अंग्रेजों में कर्नाटक का युद्ध हुआ। उसी कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध चल रहा था 1756 से 1763, उसी के बीच में भारत में भी चार युद्ध हो गए, ठीक, समझिएगा। 1756 से 1763 तक जो एंग्लो फ्रेंच अर्थात फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में युद्ध चल रहा था, उसी के बीच में भारत में भी चार युद्ध हो गए, जिसमें पहला युद्ध था 1759 का बेदरा का युद्ध। युद्धों को थोड़ा याद रखिए, आजकल पूछ लिया जाता है, तो जिसमें पहला युद्ध था 1759 का बेदरा का युद्ध, 1759 बेदरा का युद्ध। ये जो बेदरा है, कहेंगे बेदारा भी मिलेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो बेदरा यह है ये पश्चिम बंगाल में है। और इस युद्ध में क्या था, बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको पराजित कर दिया था? डचों को। तो कभी भी आपसे पूछा गया कि अंग्रेजों ने डचों को भारत में किस युद्ध में पराजित किया, तो आप कहेंगे 1759 बेदरा के युद्ध में। दूसरा जो युद्ध हुआ इसी के अगले साल हुआ वो 1760 का युद्ध था, जिसे वांडी वास युद्ध के नाम से जानते हैं। कौन सा युद्ध? वांडी वास का युद्ध। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। किसको पराजित कर दिया? फ्रांसीसियों को। पुर्तगाली जो थे वो भारत को छोड़कर कहीं और अपना ध्यान ब्राजील पर ध्यान केंद्रित कर दिए, तो इसलिए उनका प्रभुत्व भारत में धीरे धीरे समाप्त होने लगा। हाँ, वो कुछ मात्रा में भारत में बचे रह गए, इसीलिए कहा जाता है कि वो सबसे आखिरी में गए। बेदरा के युद्ध में डच पराजित हो गए, 1795 तक डच भारत छोड़कर चले गए, और फ्रांसीसी भी 1954 के आसपास गए, उनके पहले अंग्रेज गए 1948 में। लेकिन भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना जो हुई वो बक्सर के युद्ध के बाद मानी जाती है। लेकिन भारत में अंग्रेजों के द्वारा राजा बनाने की जो क्रिया चालू हुई वो पलासी के युद्ध के बाद से मानी जाती है। तो ये जो पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे मैं थोड़ा सा आपको फोकस करवाना चाहता हूं, जहां से चुनिंदा सवाल बन सकते हैं। उम्मीद है कि मंडी परिषद वगैरह में डेट के सवाल पूछे जाए गए थे, पिछली बार भी एग्जाम में डेट का ही सवाल आया था, सोचता है डेट भी आ जाए, लेकिन डेट के साथ साथ कुछ और भी बातें हैं जो हम जान लेते हैं। तो जो आज हम अपने पहले टॉपिक की शुरुआत करेंगे वो होगा पलासी का युद्ध, ठीक। ये दोनों याद रखिएगा कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था और वेदरा का युद्ध कब हुआ था, और इसी के बाद भारत में यूरोपीय पराजित हो गए और अंग्रेजों का प्रभुत्व भारत में पूर्ण रूप से क्या हो गया? स्थापित हो गया। तो जो पहला आज हमारा टॉपिक है वो है पलासी का युद्ध।
जो कि कब हुआ था, 23 जून 1757। तो 23 जून 1757 को कौन सा युद्ध हुआ दोस्तों, प्लासी का युद्ध। देखिए युद्ध का रीजन यह था कि जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, इसने क्या किया था कि 20 जून 1756 को मतलब लगभग बहुत छोटे कमरे में 18x14x कमरे में इसने लगभग 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था। और सुबह तक जब दरवाजा खोला गया तो 23 लोग ही जीवित थे, जिसे हम काल कोठरी कांड के नाम से जानते हैं। तो मुद्दा यह है कि जो इसका बैकग्राउंड, जो इसका तात्कालिक कारण था, वो था काल कोठरी कांड। तो काल कोठरी कांड जो है ये कब हो रहा है, 20 जून 1756 को। और काल कोठरी को अंजाम किसने दिया है, वो था बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। जब सिराजुद्दौला ने काल कोठरी कांड को अंजाम दिया, जिसके बाद अंग्रेज इससे काफी नाराज हो गए, और फिर उन्होंने क्लाइव, जो कि उस समय मद्रास में था, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि 1756 से 1763 के बीच में एंग्लो मतलब अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध चल रहा था, जो कि कर्नाटक का तीसरा युद्ध हम जानते हैं, जो कि यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध के साथ प्रारंभ हुआ था। तो क्लाइव को जब भेजा गया तो क्लाइव ने क्या किया कि सिराजुद्दौला के कुछ प्रमुख अधिकारियों को कूटनीति के सहारे से अपनी तरफ मिला लिया। सिराजुद्दौला के जो प्रमुख अधिकारियों को उसने अपनी तरफ मिलाया वो थे मीर जाफर, जो कि सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब बनता है, क्योंकि हमें अंग्रेजों के हाथों बेचने वाले हमारे अपने ही थे, उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो हमें खरीद ले। तो जो था वो था मीर जाफर, राय दुर्लभ, लतीफ, और बंगाल का एक खजांची था जिसका नाम था जगत सेठ। ये तीन इनके सेनापति थे सिराजुद्दौला के। एक और था अमीन चंद था, जिसने षड्यंत्रकारियों कहने का मतलब सिराजुद्दौला के खिलाफ जिन्होंने षड्यंत्र रचा था, उनके और क्लाइव के बीच में मध्यस्थता का काम किया था। तो क्लाइव और क्या कहते हैं षड्यंत्रकारियों के बीच में मध्यस्थता का काम करने वाला जो व्यक्ति था वो था अमीन चंद। लेकिन ये जो सिराजुद्दौला के प्रमुख अधिकारी थे, कूटनीति का सहारा लेते हुए क्लाइव ने इनको अपनी तरफ मिला लिया, रॉबर्ट क्लाइव ने। और जब क्लाइव ने इनको अपनी तरफ मिला लिया तो उसके बाद क्या हुआ कि सिराजुद्दौला को क्लाइव पहले ही पराजित कर चुका था, और 9 फरवरी 1757 को इसने सिराजुद्दौला के साथ अलीनगर की संधि की थी। चूंकि सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था और उसको उसके साथ जबरदस्ती संधि कराई गई, जो कि अलीनगर की संधि थी, जो कि एक अपमानजनक संधि थी, जिसके बाद सिराजुद्दौला भाग चला गया अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद। उस समय बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद थी, जो कि बांग्लादेश में था। क्लाइव इनके अधिकारियों को अपनी तरफ मिलाया और जान गया कि अगर ये लोग हमारी सहायता कर देंगे तो मैं सिराजुद्दौला को पराजित करके बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लूंगा। बंगाल माने जो आज की डेट में पश्चिम बंगाल है वो नहीं, उसमें बंगाल मतलब था बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पूर्वी बंगाल जो आज के देश में बांग्लादेश है, और असम भी जो था, ये मिलाकर बंगाल था, इसी को बंगाल कहा गया। तो यही रीजन है कि क्लाइव जब सिराजुद्दौला की तरफ बढ़ा युद्ध करने के लिए, तो सिराजुद्दौला भी मुर्शिदाबाद से आगे आया, और पलासी जो है ये बंगाल के नदिया जिले में है। कहां पर है पलासी? पलासी बंगाल के नदिया जिले में है, और किस नदी के किनारे है? भागीरथी नदी के किनारे, याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, कहीं कहीं हुगली नदी मिलेगी तो वो गलत है, जब हुगली नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे हम भागीरथी के नाम से जानते हैं, आपको जॉर्ज फ्रेसर बताए भी होंगे या बताएंगे। तो पलासी जो है
ये भागीरथी नदी के किनारे था और यहीं पर क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ कि सिराजुद्दौला के प्रमुख अधिकारियों ने, जो कि क्लाइव के हाथों बिक चुके थे, सिराजुद्दौला को धोखा दे दिए और पलासी के युद्ध में कौन पराजित हो गया? सिराजुद्दौला। बाद में मीर जाफर के पुत्र मीर मीरन के कहने पर मोहम्मद अली बेग ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। मीर जाफर इस शर्त पे क्लाइव के साथ था कि अगर सिराजुद्दौला मरेगा तो बंगाल का नवाब कौन बनेगा? मीर जाफर। और यही नहीं दोस्तों, अगर कभी भी आपसे पूछा गया कि पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था, तो वो था आलमगीर। कौन था? आलमगीर द्वितीय था। हमेशा याद रखिएगा कि पलासी के युद्ध के समय आलमगीर द्वितीय था और पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। और सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? पलासी का युद्ध। कब हुआ था? 23 जून 1757 को। तो पलासी के युद्ध में क्या हुआ? सिराजुद्दौला पराजित हो गया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। यही कारण है कि अंग्रेजों के संरक्षण में, ध्यान समझिएगा दोस्तों, अंग्रेजों के संरक्षण में गद्दी पर बैठने वाला पहला जो शासक है वो मीर जाफर है। लेकिन हो सकता है कि आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि अंग्रेजों के संरक्षण में गद्दी पर बैठने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था, तो आपका आंसर होगा अकबर द्वितीय। अब हम आपको केवल पलासी के युद्ध के बाद, 1757 में पलासी का युद्ध हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया 59 में बेदरा का युद्ध होगा जिसमें डच पराजित होंगे, और 60 में वांडीवास का युद्ध होगा जिसमें फ्रांसीसी पराजित होंगे। और इसी के बाद क्या हुआ, बक्सर के युद्ध का बैकग्राउंड बनना तैयार हो गया। क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद ही कहा जाता है, अगर कभी भी आपसे पूछ लिया गया कि भारत में अंग्रेजों की पूर्ण रूप से उपनिवेशवाद की स्थापना किस युद्ध से मानी जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। तो पलासी के युद्ध के बाद जो अगला मेरा है, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो कौन सा है दोस्तों? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। क्या था? पलासी का युद्ध समाप्त हुआ और क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। अंग्रेजों के संरक्षण में गद्दी पर बैठने वाला पहला नवाब कौन हो गया? मीर जाफर। इसीलिए मीर जाफर को क्लाइव का गधा भी कहते हैं। और इसी के बाद क्लाइव को किंग मेकर की संज्ञा दी जाने लगी। किंग मेकर मतलब होता है राजा बनाने वाला। अंग्रेज जब किसी को गद्दी पर बैठाते थे तो उनका एक फंडा यह होता था कि उसके दरबार में वो अंग्रेजी रेसिडेंस रखते थे। अंग्रेजी रेजिडेंस मतलब अंग्रेजी सेना। किसके लिए? उस नवाब या राजा की सुरक्षा के लिए। ऐसा वो कहते थे कि हम ये जो अंग्रेजी रेजिडेंस आपके यहां रख रहे हैं, ये हम आपकी सुरक्षा के लिए रख रहे हैं, ताकि अगर आप पर कोई बाहरी आक्रमण होता है तो हम आपकी सुरक्षा कर सके। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, वो सिर्फ इसलिए रखते थे कि अगर वहां का राजा या शासक या नवाब जरा सा भी 3-5 कुछ कर रहा है तो इसकी जानकारी जनरल को दे दी जाए और तुरंत उसका फायदा उठाकर उसके साम्राज्य पर कब्जा कर लिया जाए। तो जब मीर जाफर गद्दी पर बैठा तो मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया क्लाइव ने। तो मीर जाफर जब गद्दी पर बैठा तो इसने अंग्रेजों को बहुत सारे उपहार दिए, पुरस्कार दिए। लेकिन कुछ समय बाद मीर जाफर अंग्रेजों की काम की पूर्ति करने में असफल होने लगा। जब यह असफल होने लगा तो मीर जाफर को अंग्रेजों ने गद्दी से हटा दिया। अंग्रेजों ने मीर जाफर को गद्दी से हटाकर किसको गद्दी पर बैठा दिया? मीर कासिम को। मीर कासिम भी गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों को कई सारे उपहार देने लगे। जैसे हमने आपको बताया कि अंग्रेजों के संरक्षण में गद्दी पर बैठने वाला
अंग्रेजों के संरक्षण में गद्दी पर बैठने वाला पहला जो शासक था वो था मीर जाफर, लेकिन कभी भी पूछा गया कि अंग्रेजों के संरक्षण में गद्दी पर बैठने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय। और ये अकबर द्वितीय वही है जिन्होंने राजा राम मोहन राय को किसकी उपाधि दी थी, राजा की। ये भी राजा राम मोहन राय भी आपके समाज सुधारक, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार क्रांति की चेतना या पहली बार राजनीतिक क्रांति की चेतना लोगों में जगाई, कांग्रेस के बहुत पहले। कई पूछा गया कि पहली बार लोगों में राजनीतिक चेतना जगाने वाले व्यक्ति कौन हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय को ही अपना दूत बनाकर अकबर द्वितीय जो मुगल बादशाह थे भेजे थे ब्रिटेन। तो कभी भी पूछ लिया गया कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, तो आपका आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय ने। तो मीर कासिम क्या हुआ कि जब इसने भी कई सारे उपहार दिए, लेकिन जब कुछ समय बाद इसको अपनी गलती का एहसास हुआ तो इसने अपनी राजधानी, ये भी सवाल पूछा जाता है, इसने अपनी राजधानी और तोप बनाने का कारखाना मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित कर दिया, मुंगेर। मुर्शिदाबाद बांग्लादेश में है और मुंगेर कहां है, बिहार में। जब इस बात की जानकारी अंग्रेजों को हुई तो उन्होंने मीर कासिम को गद्दी से हटा दिया और पुनः किसको गद्दी पर बैठा दिया, मीर जाफर को। और मीर कासिम के जान का खतरा हो गया। मीर कासिम यहां से भागा और ये भागकर अवध के नवाब सुजाउद्दौला से मिला। इस समय अवध का नवाब सुजाउद्दौला था, अवध यही अपना लखनऊ इलाहाबाद फैजाबाद। और इसके बाद इनकी मुलाकात हुई मुगल बादशाह से जो कि थे शाह आलम द्वितीय। कौन थे, शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की सम्मिलित सेना का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में हेक्टर मुनरो के साथ हुआ। तो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था दोस्तों वो कौन था, हेक्टर मुनरो था। और इस युद्ध में हेक्टर मुनरो ने क्या किया, सम्मिलित सेना को पराजित कर दिया। तो मतलब बक्सर के युद्ध में कौन जीत गया, हेक्टर मुनरो जीत गया। जैसे कि पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था, उसी प्रकार बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन है, शाह आलम द्वितीय है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में अंग्रेजों की पूर्ण रूप से उपनिवेशवाद की स्थापना जो मानी जाती है वो किस युद्ध से मानी जाती है, बक्सर के युद्ध से। शाह आलम द्वितीय का जो वास्तविक नाम था, इनका वास्तविक नाम अली गौहर था, और सुजाउद्दौला ने फैजाबाद में अपनी बीबी का मकबरा बनवाया था जिसे बहू बेगम मकबरे के नाम से जाना जाता है। और यही नहीं, शाह आलम द्वितीय के ही शासन काल में 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। अभी वो संजय दत्त और अर्जुन कपूर वाली मूवी आई थी पानीपत, फ्लॉप हो गई, पता नहीं कैसे होगा कुछ रीजन। तो कभी भी पूछा गया कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, तो आंसर 1761, या पानीपत के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था, तो आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। और ये जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था ये मराठों के बीच में हुआ था। मराठों में मराठा सेना का नेतृत्व कर रहा था सदाशिव राय, और इनका जो हुआ था वो अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में हुआ, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद खास बात है कि इलाहाबाद की दो संधि हुई, क्योंकि हमने क्या कहा
कि अंग्रेजों के पूर्ण रूप से उपनिवेशवाद की स्थापना बक्सर के युद्ध से मानी जाती है। जो इलाहाबाद की जो दो संधि हुई, जो पहली संधि हुई वो 12 अगस्त 1765 को हुई। इसमें क्या हुआ कि मुगल बादशाह कौन है, शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी छीन ली गई। मतलब अब तीनों प्रांत पर किसका अधिकार हो गया, अंग्रेजों का। तो पहली संधि में मुगल बादशाह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी छीन ली गई। मीर कासिम के साथ मुगल बादशाह थे और एक कौन था, सुजाउद्दौला, भाई उसको भी तो लूटना था। दूसरी जो संधि हुई वो 16 अगस्त 1765 को ही। इसमें अंग्रेजों ने क्या किया कि अवध के नवाब सुजाउद्दौला से इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र छीनकर किसको दे दिया, मुगल बादशाह को। कारण क्या था कि जो मुगल बादशाह था वो सर्वोच्च बादशाह होता था। तो अंग्रेजों को ये लगा कि अगर हम मुगल बादशाह से सारी चीजें छीन लेंगे तो कहीं आम जनता में इस बात का विद्रोह ना हो जाए और लोग हमारे खिलाफ ना हो जाए, जिसका हम बाद में रोक ना सके। इसीलिए आम लोगों को दिखाने के लिए उसने महत्वपूर्ण प्रांतों को छीन लिया और केवल एक दो छोटे छोटे जगहों को अंग्रेजों को दे दिया। तो भारत के स्वतंत्रता की शुरुआत 1857 क्रांति जरूर थी, लेकिन पलासी के भी युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों से लड़ा, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, और बक्सर के भी युद्ध में मुगल बादशाह, बंगाल का नवाब और अवध का नवाब, इन लोगों ने भी किससे लड़ाई की, अंग्रेजों से। तो हम इनकी भी भागीदारी स्वतंत्रता संग्राम में कह सकते हैं, इनको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक आज हमने आपको बताया, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इसको थोड़ा ध्यान में दे दीजिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए। और बाकी जैसा कि हमने शुरू में बताया अपनी क्लास में कि सुपर टेट में पिछली बार हमारी संस्था ने बहुत बड़ी महारत हासिल की थी, इस बार भी हम उससे बड़ी महारत हासिल करना चाहते हैं। आप हमसे पढ़कर खुद अध्यापक बनेंगे, इस बात की बेहद खुशी है कि आप सरकारी टीचर बनेंगे। और पढ़िए, टेंशन एकदम मत लीजिए, हम पर भरोसा करिए, संस्था पर भरोसा करिए, आपको जरूर उस मुकाम तक ले जाएंगे कि आप सुपर टेट क्वालिफाई कर लें। अगली क्लास में हम अपना 1857 क्रांति आपको पढ़ाएंगे, थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो एक दिन लग सकता है उसमें। उसके बाद हम धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को पढ़ाकर प्राचीन और मध्य को भी आपको इंट्रोड्यूस करा देंगे, कोई चीज छोड़ेंगे नहीं ताकि क्वेश्चन आपसे बाहर ना जाए। बाकी सेहत का ध्यान रखिएगा, पढ़ाई रेगुलर करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, फिर से मिलेंगे, धन्यवाद।